स्वाति जी सुन पा रहे हैं श्वेता आप? सर, श्वेता। श्वेता, श्वेता कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? सर बेस्ट दिल्ली से हूँ, विकासपुरी से। ओके। मैं एक्चुअली एक छोटा सा अपना एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, प्लस एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ अभी थोड़ा टाइम में। दैट बहुत बढ़िया। सॉरी, इज ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स। ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी ऑर्गेनिक सेंसरी पैड। सैनिटरी पैड्स, ओके, सैनिटरी पैड्स, ऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया। सो इट्स ऑर्गेनिक कंप्लीटली, यस यस ऑर्गेनिक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कहीं ना कहीं वो पैडमैन से इंस्पायर्ड है। ओके, लिटिल बिट सर, बहुत जैसे बढ़िया मैम। जैसे स्टडी कर रही हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वैसे भी अवेयरनेस इसके बारे में होना है भी नहीं, अवेयरनेस मैम एक्चुअली। बहुत बढ़िया। देखिए, आपके जैसे वुमेन अगर मार्केट में निकल के आएंगी और अवेयरनेस फैलाएंगी तो शायद, मैम देखिए, आपका पैसा कमाने का सपना अलग है, लेकिन कहीं अगर आप अच्छा काम कर गए ना तो पता नहीं मैम, गांव गांव में जो हाँ लोग जी जो बैठी हुई हैं औरतें, उनके लिए आप एक इतिहास रच देंगी। और हैट्स ऑफ टू सर, यू, एक्चुअली वही है। मैम हाँ जी, हाँ जी, मैं सैल्यूट करता हूँ आप जैसे लोगों को जो हिंदुस्तान के बारे में इतना सोच रहे हैं। और आगे बढ़ाइए मैम, सरकार आती जाती रहेगी। अगर हम लोग मिलके देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हम। बहुत बिल्कुल जरूरी सर, बिल्कुल। है। बहुत बढ़िया मैम, हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस टू यू। सोचिए इस चीज को, और कहीं ना कहीं अगर हम इस सक्सेस का एक जरिया बन पाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक सपोर्ट चाहिए एक्चुअली सर, क्योंकि डिजिटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। यू, बहुत बड़ी चीज है। कोई दिक्कत नहीं मैम, जगह जगह कोने कोने तक हम पहुंचेंगे। जैसे जैसे मैम, देखिए होता क्या है ना, आपका जो प्रोडक्ट है ना, हाँ ये जी, प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अगर पढ़े लिखे लोग जब इसके बारे में बात करने लगेंगे ना तो मैम, बिल्कुल एक बिल्कुल। भेड़ चाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब आप पढ़े लिखों के बीच में आते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत हाँ अच्छा जी, रिजल्ट निकल के आने लगता है। हम बात करेंगे सेशन में कैसे राइट राइट, करें। उमेश जी, ठीक यस यस सर जी, सेशन में मजा आता है, ऑनलाइन वाले में रोज नए कॉन्सेप्ट बिजनेस आइडियाज पकड़ में आते हैं। सर है। हाँ सर, काफी कुछ दिमाग की बत्तियां जल रही है। उमेश जी, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आर ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। सर मैंने आप लोगों को बताया था, जितने भी लोग सेशन में, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिए, मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोलता हूँ, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। हम खुद नहीं समझ पा रहे क्या है इसमें। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, अलग अलग तरह की दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ रहा है, आपके थॉट्स अलग है, अलग बिजनेस आइडिया है, लेकिन बस एजुकेशन एक ही तरीके की चली चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना और आगे बढ़ना। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, एक हौसला रखे, एक बुलंदी रखने अपने अंदर, और कहीं ना कहीं जरूरी है कि ट्रस्ट लेवल बनाए रखें। और मैम देखिए, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, बट अगर मेहनत करेंगे तो हमेशा आगे निकलेंगे। बिल्कुल रेडमी नोट 5 से किन्होंने ज्वाइन किया है सर? रेडमी नोट 5। बिल्कुल, सर आपका कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। ये तो लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं। सर सर रेडमी नोट 5 से प्लीज अपना नाम बता दीजिए सर। रेडमी नोट 5। चलिए, स्वाति जी इंदौर इंदौर से लॉग इन है। स्वाति जी सुन पा रहे हैं आप हमें? मैम आपका माइक म्यूट है। स्वाति जी आपका माइक म्यूट है, इंदौर से आप लॉग इन है जी, बताएं मैम। स्वाति जी सुन पा रहे हैं आप हमें? मैम चलिए, शायद आपके साउंड में कोई प्रॉब्लम है। भूपेंद्र जी एक बार स्वाति जी को कॉल कर लीजिए, शायद उनके माइक में कुछ इश्यू है। और फर्स्ट टाइम में होता है, आप लोग जब सेशन में आते हैं तो आप लोग को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमारी टेक्निकल टीम बहुत फोकस्ड है, आप लोग की बिल्कुल हेल्प करेगी, है ना उमेश जी? अब आप सीख चुके होंगे कैसे सेशन में बैठना है। बहुत काफी कुछ सीख चुका हूँ सर। बढ़िया। सर रेडमी नोट 3 प्लीज अपना नाम बता दीजिए सर। रेडमी नोट 3 नाम है सर, दोबारा बता दीजिए सर। रेडमी नोट 3 क्या हुआ भाई? पूरा अंडा बनाओ या आलू अंडा बना दो? पूरा मुझे पूरा आपको म्यूट करना एक पड़ेगा अंडा, सर, अंडा मेरे कड़ी को बन देंगे, मेरे को आपको सेशन से क्विट करना पड़ेगा। प्लीज अपना नाम बता दीजिए सर। वी डू नॉट एनरोल गया। अनआइडेंटिफाइड
फिगर शेयर. सो प्लीज अपना नाम बता दे सर. रेडमी नोट 3 सर. रेडमी आई थिंक सो ये अजय है. अजय अजय जी सुन पा रहे हैं हमें? तो है नहीं क्या? नमक भी नहीं है. मैं सर बात कर लेता हूँ सर पर्सनली एक बार. सर इनको बोल दीजिए अगर सेशन में रहना है तो सर इनको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को इनको क्विट करना पड़ेगा. इनको कॉल कर सकते हैं सर आप. मैं एक बार बात कर लूँ. मैं इनको भी म्यूट कर रहा हूँ. जब ये रेडी हो जाएगा बोलेगा सर, ये बीच में बोल सकते हैं सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्वाति जी थोड़ा सा सॉरी मैम विकासपुरी अपना एक बार नाम दोबारा बता दीजिए. मैं बिल्कुल भूल गया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. श्वेता सर. श्वेता. श्वेता बिकॉज मैम सेशन में दो फीमेल्स हैं स्वाति एंड श्वेता. हाँ जी, हाँ जी. यूज हो रहा हूँ. चलिए राइट. जी आपने कभी पहले डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट किया है क्या? नहीं सर. डिजिटली कुछ भी नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं डिजिटल कैसे होता है क्या होता है? नहीं नहीं मतलब आई मीन जैसे छोटा मोटा जो अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं वो वाला बोल रहे तो करते ही है. फेसबुक पे इंस्टा पे पेजेस बनाए हुए हैं अपने. ऐसे प्रमोशन लेवल पे कुछ नहीं करा. प्रमोशन लेवल में मतलब एक नॉर्मल सोशल ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. चलिए बहुत बढ़िया मैम. ये एक रेगुलर क्लास है जहाँ पे भी बहुत बेसिक लेवल से हमारा जो 10 टू 11 का बैच है उसके लिए अभी बाकी बच्चे अभी कुछ आए नहीं है. इसलिए अभी जो उमेश जी की क्लास चल रही है हमने जो टॉपिक्स अभी कवर किए थे एक दो दिन पहले वो ये थे कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का क्या होता है, और आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. राइट राइट. ये है क्या? ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हर कोई सुनाता रहता है कि ये है वो है, एक्चुअल समझना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या. उमेश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है गूगल एक ब्रोकर है. ब्रोकर इन द सेंस जैसे लेट सपोज स्वाति जी की जॉब लग जाती है बैंगलोर में, तो स्वाति जी सबसे पहले बैंगलोर जाके क्या करेंगी? उमेश जी वहां जाके सबसे पहले घर ढूंढेंगी, है ना? राइट सर. क्यों? क्योंकि सर पहले रहना जरूरी ना, नौकरी तो कर ही लेंगे. yes. अब स्वाति जी की सैलरी है 1.5 लाख रुपए और ये घर का इनका बजट है कि भैया मेरे को 10 से 15 हजार का घर चाहिए. इन्होंने ब्रोकर को यही बताया कि मुझे 10 से 15 हजार का घर चाहिए. ब्रोकर जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा फ्लैट निकाल के इनको दिखाएगा. क्यों? क्योंकि ब्रोकर की डिमांड है कि उसका जल्दी से जल्दी कमीशन उसके हाथ में मिले, है ना? ये तो चाहत है. तो इसीलिए ब्रोकर क्या करेगा, इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट घर निकाल के लाएगा और इनको मिला देगा, उसका कमीशन बन गया. अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि सर आज के टाइम में हम एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो चुके हैं. आप आज घर लेने निकलते हैं ना तो आप ब्रोकरों के चक्कर में नहीं पड़ते, आप डायरेक्टली जहां पे देख लेते हैं टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है वहीं चले जाते हैं ना स्वाति जी, ऐसा ही होता है? स्वाति जी ऐसा ही होता है ना, आजकल ब्रोकर के चक्कर में कोई पड़ता नहीं है. चलिए शायद उनके साउंड में कोई प्रॉब्लम है, मैं आगे चलता हूं. होता क्या है, ये गूगल जो है एक तरीके का ब्रोकर है, कंटेंट ढूंढने वाले को कंटेंट ओनर से मिलवाने के लिए काम कर रहा है, इसके अलावा गूगल का और कोई काम नहीं है. अब उमेश जी जब हम एसईओ की बात करते हैं तो कल मैंने आपको समझाया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फुल फॉर्म कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है, ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है, वो रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को गूगल या किसी भी ऑर्गेनिक सर्च इंजन में ऑर्गेनिक लिस्टिंग के टॉप रिजल्ट से पहुंचते हैं. उमेश जी मुझे थोड़ी हेल्प करें ये समझाने में कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती क्या है. ऑर्गेनिक लिस्टिंग हम उसे कहते हैं, दो टाइप की लिस्टिंग होती है सर, एक तो पेड पे एड वाले, दूसरे ऑर्गेनिक. पे एड का सीधा मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने गूगल को पैसे दिए और आपको अपने आप को टॉप पे आपने रखवा लिया. बट जो ऑर्गेनिक रहता है वो गूगल के प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है. गूगल के कुछ लिस्टिंग होती है कि आपके टाइटल, आपके टेक्स्ट, आपके सब टाइटल ये किस तरीके से होने चाहिए, या फिर गूगल के कुछ जो लिस्ट के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स है उनके मार्कअप के हिसाब से वो फिर हमें टॉप पे पहुंचाते हैं. जी जी बताएं सर, कंटिन्यू करें.
कुछ शायद नेटवर्क इशू है, आप शायद दोबारा आ गए सर। मैं समझ लूंगा सर, एक्चुअली हमारा आज सिस्टम भी यही सोच रहा है कि आज फ्राइडे है, सैटरडे के मूड में आ चुका है। तो सर ये कभी कभी हो जाता है। तो चलिए सर, आप बता रहे थे, आई एम रियली सॉरी सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। बताइए सर, मैं चाहूंगा आप आंसर दे सो दैट मेरे को ये क्लैरिटी हो कि आपको कल की क्लास समझ आई है नहीं आई है। ऑर्गेनिक मतलब सर जो नॉन पेड या फिर जो खुद अपने दम पे जो वेबसाइट पे टॉप पे आते हैं या फिर जो नॉट अन जो बिना पैसे दिए हुए अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं शॉर्ट नोट पे, उन्हें हम ऑर्गेनिक लिस्टिंग के ऑर्गेनिक वेबसाइट कह सकते हैं। चलिए सर, इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए इस वर्ड्स को जरूर यूज कीजिएगा कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग का मतलब ये है कि गूगल ये कहता है कि पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे जो लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में दिख रहे हैं, ये लोगों से गूगल कोई चार्ज नहीं कर रहा और गूगल को लगता है कि ये वो लोग हैं जो इस कीवर्ड के बेस्ट आर्टिकल सबमिशन हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाला होटेल्स इन दिल्ली, होटेल्स इन दिल्ली डालते ही सबसे ऊपर मेरे सामने जो लिस्टिंग आती है वो आती है ओयो रूम्स की। वो लिस्टिंग क्यों आती है उमेश जी, मैं आपसे आंसर समझना चाहूंगा सर, स्टार्टिंग में जो कल हमने क्लास ली थी उसके रीजन की वजह से। ठीक है, मैं चाहूंगा सर आप आंसर दें इस चीज का, एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट। चलिए मैं गूगल ओपन कर लेता हूं। चलिए सर, ये रही लिस्टिंग, बताएं सर सबसे ऊपर ये ओयो रूम्स आ रहा है। गूगल ने सबसे पहले इनकी वेबसाइट में क्या ढूंढा सर? इनका जो साइट टाइटल है ये होटेल्स इन दिल्ली, ये उससे मैच किया। उसके बाद इनका जो कंटेंट है उसमें भी होटेल्स इन दिल्ली वो मैच कर रहा है। मतलब गूगल को जो कुछ भी चाहिए होटेल्स इन दिल्ली से रिलेटेड कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन, वो सबसे ज्यादा या फिर सबसे अच्छा ओयो के वेबसाइट में प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए गूगल ने उसको टॉप में रखने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया सर, देखिए होता क्या है, अगर कॉन्टेंट पे सर्च करने वाले लोग नहीं होंगे ना तो कॉन्टेंट पे एड चलाने वाले लोग भी नहीं होंगे। तो गूगल बहुत ज्यादा फोकस्ड है या कोई भी सर्च इंजन बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस चीज पे कि आप अपने कस्टमर को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को एक सेटिस्फाइड रिजल्ट दें। अगर होटल्स इन दिल्ली में टाइप कर रहा हूं और उसके बाद अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जा रहा हूं जो वेबसाइट पे होटल्स इन दिल्ली के बारे में कुछ है नहीं, होटल्स इन जयपुर के बारे में लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि गूगल हमें सर्च करके क्या हमसे पूछना चाहता है और किन प्रोटोकॉल्स पे हमें वो प्रमोट करेगा या उस पोजीशन को देगा कि भैया आप चलो टॉप रिजल्ट्स पे रहो। सबसे पहली चीज, क्या आपकी वेबसाइट, याद रखिएगा, क्या आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, जब ये वर्ड हम बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिव, इट एग्जैक्टली मीन्स दैट योर वेबसाइट इज व्यूएबल ऑन ऑल द मेजर डिवाइसेस। हिंदी में समझाता हूं, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है ये दुनिया के जितने भी ब्राउजर्स हैं उन सारे ब्राउजर्स पे इजी टू रीड है या नहीं है। एग्जाम्पल कनेक्ट करके दिखाते हैं, मैं जाता हूं ओयो रूम्स पे और मैं रीजन भी बताता हूं तो कि गूगल ने ये प्रोटोकॉल रखा क्यों, ये रीजन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इस वेबसाइट को हम देख लेते हैं मोबाइल डिवाइस पे कैसी दिखती है ये वेबसाइट। काफी छोटी है तो। चलते हैं सर आईफोन एक्स पे, लोड कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, अब इस वेबसाइट ने अपना एक्चुअल
पूरा इनपुट लिया है कि कैसे ये वेबसाइट लग रही है और कैसी वेबसाइट दिखनी चाहिए। आपने देखा मोबाइल के ऊपर इनकी जो वेबसाइट है ये बहुत इजी टू रिस्पॉन्डेड है। Anyone can go to this website and easily check कि क्या लिखा है। बहुत पहले क्या होता था, आज से पहले जितनी भी वेबसाइट्स बनती थी वो वेबसाइट्स कहीं ना कहीं इस तरीके की होती थी जिसपे मोबाइल डिवाइस पे लोग रीड नहीं कर पाते थे, टेक्स्ट बहुत छोटा था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कमेंट दिया था काफी छोटी वर्ड्स हैं। तो सर इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत है? उमेश जी आपने देखा होगा कि हमने वर्डप्रेस पे जब हम काम कर रहे थे तो वर्डप्रेस की आज तक जितनी थीम्स है ना वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिव नेचर में है। मतलब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी लेटेस्ट थीम होगी रिस्पॉन्सिव होगी। क्यों रिस्पॉन्सिव होगी समझिएगा, क्योंकि आज किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कस्टमर मोबाइल साइट ही चेक कर रहे हैं, कोई डेस्कटॉप से चेक ही नहीं करता। डेस्कटॉप सिर्फ मेरे जैसे लोगों का सेशन लेने के लिए लोग यूज करते हैं, अदरवाइज तो मोबाइल से सारा काम चल रहा है ना उमेश जी? हाँ जी सर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज पे काम करें कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। सबसे पहला प्रोटोकॉल है गूगल का, याद रखिएगा सबसे पहला प्रोटोकॉल। सेकंड प्रोटोकॉल क्या है, जब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लिख देते हैं आप, कंटेंट इन द सेंस आपकी वेबसाइट पे अबाउट अस पेज है, होम पेज है, ये सारे जो पेजेस हैं, इन पेजेस को क्या गूगल समझ पा रहा है क्या? अब गूगल और हमारे बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई है तो हम तो शाहरुख खान से कम है नहीं। तो बहुत जरूरी है गूगल को समझाना कि भैया हम ये जो वेबसाइट है ये आपके लिए भी है ना। किसी को ग्रीट करते हैं ना आप, कहते हैं भैया आप भी आओ, थोड़ा सा हेलो हाय होगा तभी तो सर मजा आएगा। तो गूगल के साथ वही करना है, हेलो हाय। अब हेलो हाय होगा कैसे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बात करने की अलग है और गूगल का मे बी एल्गोरिथम किसी दूसरे लैंग्वेज में होगा। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लेते हैं। सर मैं अमित जी को क्विट कर रहा हूँ सेशन से, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है सर, उनको प्लीज बता दीजिए, अगर वो क्लियर रहेंगे तभी सेशन में आएंगे, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए सर अब होता क्या है कि जब गूगल से हम बात कर रहे होते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास मेरा एक फोन नंबर है, मेरे इस सेशन के जाने के बाद आप उस फोन नंबर को यूज करके मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। तो मैं अगर धरती पे आया हूं तो मैं एक डेटा हूं बहुत बड़ा, है ना उमेश जी? डेटा हूं मैं, मेरे दो हाथ हैं, दो आंख है, एक नाक है, दो कान है, डेटा हूं मैं अपने आप में। तो ये जो डेटा है आप फोन करके मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, प्रभाकर सर आपकी कितनी आंखें हैं? मैं बोलूंगा दो आंखें, है ना? तो दैट मीन्स जो मेरा फोन नंबर है वो मेरे बड़ा डेटा का एक छोटा डेटा है जो आपके पास है। आपको मेरे को पूरा जानने की जरूरत नहीं है, बस मेरा फोन नंबर रखिए और कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ये जो छोटा डेटा है ना इसको हम कहते हैं मेटा डेटा। क्या बोलते हैं उमेश जी? मेटा डेटा। बहुत बढ़िया। मेटा डेटा को किसी इंटरव्यू में अगर आप बैठे हो या कहीं टेक्निकल किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हो तो मेटा डेटा इज डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा। दोबारा बता रहा हूं, मेटा डेटा is defined as data about data. एक बड़े डेटा का छोटा रूप है मेटा डेटा। यही मेटा डेटा गूगल या किसी भी सर्च इंजिन को समझाता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। अब ये मेटा डेटा हम लिखते कहां पे और कैसे लिखते हैं वेबसाइट के अंदर, सो दैट हम गूगल को समझा पाए कि भैया हम इस कैटेगरी की वेबसाइट है। जैसे अगर मेरी एक होटल की वेबसाइट है तो मैंने एक होटल की वेबसाइट पे अपना डिटेल डाल दिया, अपना टाइटल डाल दिया और अपना कंटेंट डाल दिया, फोटो वोटो डाल दी, सर मेरे को तो समझ आ गई, लेकिन गूगल को तो समझ में नहीं आया ना हुआ क्या। गूगल आपको सिर्फ टाइटल देके होटल वाली कैटेगरी में तो डाल देगा, लेकिन गूगल आपको अच्छे से नहीं समझ पा रहा, तो जिसको आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे उसको रेफर भी थोड़ी करेंगे दूसरे को, है ना उमेश जी? यस सर। है ना? तो अगर आप चाहते हैं गूगल आपको रेफर करे, आपको अच्छी पोजीशन दे, तो मेटा डेटा डालना बहुत जरूरी है। अपनी साइट का मेटा डेटा का मतलब होता है कि आपकी पूरी साइट का समराइज, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आइए साइट पे देखते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि मेटा डेटा चीज क्या है और कहां पे मिलती है चीज। इस वेबसाइट के सोर्स कोड में जाते हैं,
इसको देखिए घबराइएगा नहीं, अभी सिंपल आपको समझ आ रहा है ना HTML सर, इतना तो मैंने क्लास में आपको बता ही दिया था, है ना उमेश जी? हाँ जी सर। तो इस चीज को देखिए घबराइएगा नहीं अभी, ये देखिए यहां पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन करके एक चीज दी गई है, ये रही। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या? ये मेटा डिस्क्रिप्शन वो चीज है जो किसी भी सर्च इंजन को ये बताती है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, एक संक्षेप वर्णन आपकी वेबसाइट का, एक छोटा रूप, एक छोटा पार्ट, अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कॉन्टेंट, योर वेबसाइट कहां दिखता है। देखिएगा यहां क्या लिखा है, बुक ओयो होटल्स इन दिल्ली, सेव अप टू 50%, याद रखिएगा इस शब्द को। और मैं दिखाता हूं सर ये लिखा कहां पे है, जब आप अपनी वेबसाइट में जाते हैं तो इस वेबसाइट के पेज को देखिए, होटल्स इन दिल्ली वाला पेज है, होटल्स इन दिल्ली वाला जो पेज है, इस वेबसाइट के पेज पे ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये जो कंटेंट है ये इसी मेटा डेटा से उठ रहा है, इसी मेटा डेटा से ये वेबसाइट उठ के आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में चले जाएं, फॉर गो आईबीबीओ चले जाएं, गो आईबीबीओ के इस पेज पे चले जाएं, आपको वही चीजें दिखेंगी जो मेटा डेटा में लिखी हुई है। ये देखिए टाइटल आपको बहुत अच्छे से समझ आता है टाइटल क्या चीज है। इसके बाद अगर मेटा डेटा फाइंड करना है, ये देखिए मेटा कंटेंट, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये चीजें है ना, ये चीजें गूगल को ये बता रही हैं कि आपको पूरी वेबसाइट पे घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मेटा टैग पढ़ो और हमारे बारे में जान लो। ये जो कोड्स हैं आपको बहुत ज्यादा जंबल दिख रहे हैं राइट नाउ, इसको बहुत इजी तरीके से लेके दिखाते हैं कैसे इस कोड को लिखा जाता है। W3C पे चलते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आप लोगों को पूरे कोर्स के दौरान हेल्प करेगी पढ़ने में कि कैसे मेटा डेटा होता है, क्या होता है। ये देखिए मेटा डेटा, मैंने जो आपको बताया कि हेड के अंदर मेटा डेटा लिखा जाता है सो दैट आप किसी भी वेबसाइट को या सर्च इंजन को गाइड कर पाए। अब हेड कहां लिखते हैं उमेश जी, हेड कहां पे होता है? HTML के नीचे और बॉडी के ऊपर, है ना? हेड सबसे पहले, हां यस सर, सबसे पहले HTML होता है फिर हेड होता है ना, हेड होता है राइट सर। ये सर ये मेटा में ये मेजर चार चीजें होती हैं। पहली चीज होती है डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखिएगा कि आपका ये जो कोड है ये बहुत दिक्कत दे रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है इसको समझने में। सर ये आपको समझना ही नहीं है, ये काम ही नहीं करना आपको, क्योंकि आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे जो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी चीजें बनाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे गूगल आपको रीड कर रहा है, ठीक है उमेश जी? यस सर। चलिए अभी सर यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका, यहाँ पे जैसे ही आप लिखते हैं मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और इसके अंदर आप वो चीज लिखेंगे जो चाहते हैं आप, जब कोई आपको सर्च करे तो आप गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आपने लिस्टिंग देखी होगी, लिस्टिंग के नीचे दो लाइन दिखती है आपको लिखी हुई, वो जो लाइन है वो है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो डिस्क्रिप्शन पे ऑटोमेटिकली आपका सर्च इंजन उठा लेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड, मेटा कीवर्ड्स। सर्च इंजन को आप ये बता रहे हैं कि हमारी जो पूरी वेबसाइट है ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे काम कर रही है। मतलब जैसे अगर मैं आपको पहली बार मिलता हूं तो मेरा दिमाग आपके बारे में क्या क्या चीजें सोचता है कोशिश करेगा समझने का। पहली चीज आप एक आदमी हैं, दूसरी चीज आप इंसान हैं, तीसरी चीज आप ओडिशा से हैं, ठीक है, चौथी चीज आप कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, पांचवी चीज आपको 10 से 11 वाले सेशन में जाना है, क्लियर है? ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आपके लिए हैं, मतलब ये आपके बारे में कीवर्ड्स हो गए। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी 8 to 9 में है और 10 to 11 वाले बैच में जाने वाला है, वो ओडिशा से है, वो एक आदमी है, तो फटाक से भूपेंद्र जी कह देंगे अरे सर वो तो उमेश जी हैं, है ना? सही बात है सर, सही बात है।
तो क्या मेरे को आपको पूरा कंटेंट बताना पड़ेगा कि एक बंदा आया था उड़ीसा से और वो 8 to 9 में है, इतनी लंबी स्टोरी बतानी नहीं हो भूपिंदर जी को, सीधा बताना है कि भैया 8 to 9 में एक बंदा बैठा है, वो सर उड़ीसा से है और वो आदमी है, तो वो बताएंगे अच्छा जी उमेश जी को शिफ्ट करना है सर चलो कर दो। तो कीवर्ड्स आपके बिजनेस के बारे में आपके सर्च इंजन को ये बताता है कि आपको किस जगह प्रमोट होना है। दैट मींस ये कीवर्ड्स पोटेंशियल कीवर्ड्स है पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के दौरान आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कीवर्ड ढूंढना या कीवर्ड लिखना कैसे है, कीवर्ड जज कैसे करें। बिजनेस हम सोच लेते हैं लेकिन अब कीवर्ड कैसे सोचें। चलिए सर आज ये सीखते हैं कि कीवर्ड कैसे सीखेंगे, हम लिखना कैसे है, क्या करना है कीवर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड के लिए ये लिखना कि आपका बिजनेस जिस टाइप का है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो साड़ी वाला बिजनेस सोचा था उमेश जी, उस साड़ी वाले बिजनेस का कीवर्ड क्या हो सकता है, साड़ी या फिर फैंसी साड़ीज, है ना, यही हो सकता है सर। यस सर। फैंसी साड़ी आपका कीवर्ड हो सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने लोकल एरिया में सर अपने आप को प्रमोट करें तो आपका कीवर्ड क्या हो सकता है, फैंसी साड़ी उड़ीसा या फिर आपके लोकेशन की जगह, ठीक है, अगर आपकी कोई शॉप वॉप हो तो। जैसे जैसे अगर मैम का जो आइडिया था ऑर्गेनिक पैड, तो अगर कोई गूगल पे जाके ऑर्गेनिक पैड्स टाइप कर रहा है या फिर न्यू बिजनेस आइडियाज या फिर न्यू एंटरप्रेन्योर्स या फिर न्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो अगर मैम की वेबसाइट टॉप पोजीशन पे आ गई तो कहीं ना कहीं कस्टमर आएगा ना, क्योंकि जब नए नए बिजनेस ओनर्स आपको ढूंढेंगे तो वो आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपको लेके जाएंगे कि भैया यहाँ पे माल दो, यहाँ पे दो, ये करो वो करो, तभी तो विजिबिलिटी आएगी। आपके बेस्ट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, लोग जब ऑनलाइन ढूंढे ऑर्गेनिक पैड्स, बहुत लोग ये पैडमैन मूवी के बाद तो पता नहीं कितने लोगों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, कोशिश करते हैं देखने की कि कितने लोग ऑनलाइन इस चीज को ढूंढते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं इस चीज को। अपने कीवर्ड डिसाइड करने से पहले ये चीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि क्या हमारा कीवर्ड जो हम सोच रहे हैं वो सही में गूगल में एग्जिस्ट करता भी है या गूगल पे उस बारे में लोग सर्च करते भी हैं कि नहीं करते, है ना उमेश जी, बहुत जरूरी है ना कितने लोग सर्च कर रहे हैं चेक करना। एक टूल है एडवर्ड्स, ये फ्री एक्सेस टूल है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इस टूल पे जब आप लॉग इन करते हैं तो इस टूल की एक अलग क्लास होती है जो ये पेड एड, गूगल पे जो पेड एड चलते हैं उसी टूल की मदद से चलते हैं। हम इस टूल को एड्स के लिए अभी यूज नहीं करेंगे, अभी हम यूज करेंगे इस टूल को एक्सेस करने के लिए कि कीवर्ड पे क्या काम चल रहा है। तो यहां पे मैं कीवर्ड प्लानर पे जाता हूं, टूल्स पे क्लिक किया, कीवर्ड प्लानर पे गया, बहुत इजी है। आप सिर्फ adwords.com पे जाइए, टूल्स पे क्लिक कीजिए और कीवर्ड प्लानर टूल पे जाइए। इसको हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर टूल। ड्यूरिंग द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर अपने डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस में बहुत जरूरी है कि आप इस टूल को अच्छे से समझें। मैंने यहाँ पे फाइंड न्यू कीवर्ड्स डाल दिया और यहां पे मैं डाल रहा हूं ऑर्गेनिक पैड्स और मैंने गेट स्टार्टेड कर दिया। अब गूगल मेरे को रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखाएगा कि लोग ऑनलाइन क्या क्या सर्च कर रहे हैं। देख रहे हैं लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं यहां पे सर, मतलब कहीं ना कहीं इस कीवर्ड पे बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपली गूगल पे जाके ले लूं और ये देखिएगा कि इसको मंथली एवरेज सर्चेस इतनी हो रही है, ये बिडिंग विडिंग अभी छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, और अगर मैं इसको गूगल पे जाके टाइप करता हूं तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे सामने लोग हैं जो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एड्स। देख रहे हैं मैम आप? हाँ जी हाँ जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिजनेस में आके इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और दैट मींस कहीं ना कहीं बिजनेस जनरेट हो रहा है, तभी तो प्रमोट कर रहे हैं मैम ये। राइट राइट राइट, है ना, बहुत जरूरी है इस जगह पे आना और काम करना। अब हमें ये तो पता लग गया कि चलो हमारा कीवर्ड आ गया, अब सर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कीवर्ड कैसे डिसाइड करें अपने बिजनेस के लिए।
फॉर एग्जाम्पल उमेश जी आप पे आते हैं, आपने अपना बिजनेस तो आइडिया सोच लिया, लेकिन अब कस्टमर से बात करने के लिए ये जरूरी है कस्टमर आपको ढूंढे। अब मेरे को कोई भी चार बेस्ट कीवर्ड बताइए अपने बिजनेस से रिलेटेड, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा सोच पाएंगे। ये जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आपको सुनने में बहुत इजी लग रही होगी, लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कोर्स में हर जगह आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपके बेस्ट क्या कीवर्ड होंगे, चार चार दिन सोचते रहेंगे सर फिर भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग लेवल से हमारा सिखाने का तरीका ये है कि हर बिजनेस मॉडल में कीवर्ड ढूंढना स्टार्ट करो, अपने आप एनरिच्ड हो जाएंगे कीवर्ड कैसे निकालना है। चलिए सर स्टार्ट होइए सर, बेस्ट चार कीवर्ड बताइए सर। सबसे पहला तो फैंसी साड़ीज, चलिए फैंसी साड़ीज। चलिए सर और देख रहे हैं सर, अभी थोड़ी देर पहले आप थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि सर कीवर्ड बड़ा इजी होगा, ये सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, अटक गए सर। यही चीज है, यही चीज सर, यही चीज समझनी है। ओके है ना कि हम इनिशियल स्टेप ले लेते हैं, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक फॉलो करें एक प्लान के साथ। चलिए सर थोड़ी सी हेल्प आपकी कर देता हूँ। मैंने आप डिजाइनर साड़ी, बहुत बढ़िया सर डिजाइनर साड़ी, अब आप आ रहे हैं सर। अब चलिए जैसे ये फैंसी साड़ीज यहाँ मैंने लिखा ना, इसी पेज को दीजिएगा और सबसे नीचे सर आपको यहाँ दिखेगा जो लोग इस टाइप के कीवर्ड्स को कुछ इस तरीके से भी ढूंढ रहे हैं। फैंसी साड़ीज फॉर वेडिंग, फैंसी साड़ीज बिलो 1000, फैंसी साड़ीज विद प्राइस इन इंडिया, फैंसी साड़ीज विद ब्लाउज डिजाइन, फैंसी साड़ीज स्नैपडील, फैंसी साड़ी इमेजेस, देख रहे हैं। अब एक और काम करते हैं सर, इसको कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। क्या बोलते हो उमेश जी? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। चलिए एनालिसिस। चलिए अब सर चलते हैं, ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है ना ऑर्गेनिक रैंकिंग में, एड्स पे कभी नहीं जाएगा, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कभी एड पे नहीं होता। जो ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग आपको दिख रही है, रोटेट करके दिखा देता हूँ, ये जो लिस्टिंग आपको दिख रही है ना इस जगह पे, ये वाली लिस्ट, ये ऑर्गेनिक में आ रही है, कोई एड नहीं है सर, टॉप पोजिशन पे है। चलिए इसको एक काम करते हैं, इस लिंक पे चलते हैं और इस लिंक के मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को चेक करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। आइए सर, ये कोड थोड़ा सा अच्छा आपको लग रहा होगा कि ज्यादा जंबल्ड नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए फैंसी साड़ी ऑनलाइन बाई फैंसी सिल्क ब्लाउज डिजाइन, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट को डिफाइन भी कर दिया और अपना एक कीवर्ड भी एड कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। दूसरा चलते हैं सर कंटेंट कीवर्ड पे, देखिए ये मेटा कीवर्ड लिखा हुआ है सामने, ये देखिए कीवर्ड वाली लाइन है ना, मतलब ये जो बिजनेस है इस बिजनेस ने इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने का चाहा है। कीवर्ड्स क्या है? फैंसी साड़ीज, फैंसी ब्लाउज डिजाइन, फैंसी सिल्क साड़ी। इस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि जो लोग आपके मार्केट में हैं वो किस टाइप का कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा अच्छी सोच लेके बैठे हुए हैं, है ना। यस सर। तो बहुत सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सबसे पहला स्टेप है गूगल एडवर्ड्स में जाना और कीवर्ड प्लानर टूल को यूज करना, जो मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा अभी, उसकी एक अलग पूरी क्लास है कैसे कीवर्ड करना है उस पर रिसर्च। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गूगल की लिस्टिंग में जाना और सबसे नीचे स्क्रॉल करना और जो कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे थे उनको भी नोट कर लीजिए। उसको नोट करने के बाद आप किसी भी टॉप वेबसाइट पे जाइए जो आपके एक सिंगल कीवर्ड पे, क्योंकि एक कीवर्ड तो आपका दिमाग सोच ही सकता है ना सर। यस। तो उस एक कीवर्ड पे जाइए और सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है ऑर्गेनिक रैंकिंग में उसको उठाइए, क्योंकि उसने अच्छा एसईओ किया होगा तभी वो वहां पहुंचा है। अब उसकी वेबसाइट पे जाके कंट्रोल यू प्रेस कीजिए अपने मशीन से, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड यू प्रेस कीजिए, यू एज एन अम्ब्रेला, और करते ही आपके सामने ये सोर्स कोड खुल जाएगा। इस सोर्स कोड में सबसे पहले कोशिश कीजिए टाइटल ढूंढने की। अब ये टाइटल आपको दिख रहा है,
इस टाइटल में से आप देख लिया आपने कि भैया फैंसी साड़ीज ऑनलाइन सबसे अच्छा कीवर्ड इनका चल रहा है, इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। इसके बाद जाइए सर कीवर्ड सेक्शन पे, ये देखिए आपको कीवर्ड्स पता लग गए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ये कीवर्ड्स हो सकते हैं। यहां देखिए, यहां इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन है, देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन? यस सर। सर याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे न्यू फैंसी सिल्क साड़ी ऑनलाइन एट मिरर शॉपिंग ये लिखा हुआ है। यहां देखते हैं सर इनकी वेबसाइट में, ये देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा सर, ये देखिए सामने लिखा है, ये जो कंटेंट आ रहा है दिख रहा है सर ये कंटेंट? यस सर। सर ये कंटेंट कहां से आ रहा है? डिस्क्रिप्शन से आ रहा है, देख रहे हैं? ठीक है मैम, मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कोड्स आप देख रहे हैं, इस कोड्स को देखिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये उमेश जी इसलिए समझ पा रहे हैं, 3 दिन पहले उमेश जी भी बहुत घबरा रहे थे कि कैसे करूंगा मैं। अच्छा। बट उमेश जी अभी अभी डर लग रहा है इसको देख के? क्या अभी डर नहीं लग रहा था, अभी इनसे खेलने का मन कर रहा है, है ना? तो सर 3 दिन पहले घबराहट थी ना कि यार क्या ये डिजिटल मार्केटिंग लगता है गलत कोर्स चूज कर लिया है ना सर। पहले दिन तो मैं सोचा कि ये क्या चीज है, पहले तक तो डर था, लेकिन अभी काफी इजी लग रहा है, बहुत सीखने की इच्छा हो रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देते हैं सर कि यहाँ जो भी चीजें ना मैम, ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को बनाएगी। जब हम आपको वर्डप्रेस बताएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी बनेंगी। जस्ट आपको ये समझाया इसलिए जा रहा है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि गूगल काम कैसे करता है। राइट, समझेंगे तभी तो अच्छा कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जी सर, ये मेटा वर्ड का इन्होंने काफी ज्यादा यूज किया है, मतलब डिस्क्रिप्शन भी कई 3-4 जगह पे है सर। देखिए कुछ जी, मैं बिल्कुल समझ गया सर आपका क्वेश्चन। सर मेटा मैंने क्या बताया, मेटा का मतलब यही होता है ना कि डेटा अबाउट डेटा। यस सर। तो मैं अगर एक डेटा हूं तो मेरा मेटा कितना हो सकता है? मेरा एक हाथ है, आप मेरा एक हाथ उखाड़ के ले जाओ वो भी मेरा डेटा हो गया, मेरा दूसरा हाथ उखाड़ के ले जाओ वो भी डेटा हो गया, मेरा एक पैर उखाड़ के ले जाओ डेटा हो गया, मेरा फोन नंबर ले जाओ मेरा डेटा हो गया, है ना? तो एक वेबसाइट के बहुत सारे डेटा हो सकते हैं जो किसी किसी सर्च इंजन को समझाने में मदद करता है। तो जैसे यहाँ पे आजकल हर जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपको मेटा प्रोवाइड करते हैं, सो दैट किसी भी सर्च इंजन को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपकी वेबसाइट को समझने में, आप सीधा वहां पे मेटा ऐड कर सकते हो। जैसे मैम ने बहुत जगह फेसबुक अकाउंट्स बनाए होंगे लेकिन अभी तक मैम ने अपने फेसबुक का कोई भी मेटा अपडेट नहीं किया होगा। देखिए यहाँ पे ट्विटर का मेटा है ना, देख रहे हैं ट्विटर का मेटा? तो ये सारी चीजें आपको सर्च इंजन को समझानी पड़ेगी कि कैसे काम हो रहा है। अभी यहां पे देखिए आगे चलते हैं, ये कीवर्ड्स देख लिया हमने, डिस्क्रिप्शन देख लिया। मेजरली ये 3 सेक्शंस रहते हैं हर वेबसाइट में जो जरूरी है एसईओ स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला है टाइटल, दूसरा है कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड्स, और तीसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। इन 3 चीजों को गूगल सबसे पहले जब हमारी वेबसाइट पे आता है तो चेक करता है इन 3 चीजों को। इसके अलावा गूगल इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि आपकी वेबसाइट पे क्या इमेज लगी है, क्या डेटा लिखा है पहले बार में। उमेश जी क्वेश्चन है आपसे सर, जब गूगल पहली बार में हमारी वेबसाइट पे आता है उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग सर। बहुत ही बढ़िया। और पहली बार के बाद जब आएगा सर तो क्या बोलेंगे? क्रॉलिंग सर। बहुत बढ़िया सर, वेबसाइट पे आते हैं और मेरे को समझाने की कोशिश कीजिए, अगर मुझे चेक करना है कि इस वेबसाइट पे गूगल कब आया है तो मैं कैसे चेक करूंगा? सर वो जो HTTPS ग्रीन कलर में जो वर्ड लिखा हुआ है उसके एंड में एक डाउन एरो ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कीजिए सर। कर दिया सर। ये इसी को ये कैशेस लिखी है ना, इनको आप क्लिक कीजिए तो एक पेज ओपन होगा, वो काफी कम सेकंड्स के लिए विजिबल रहेगा, बस इसी में ही है सर, टॉप पे लिखा हुआ होगा 27 मार्च। हाँ, दैट मीन्स इनकी वेबसाइट पे गूगल 27th मार्च को इस एग्जैक्ट टाइम पे आया है। जितना ज्यादा अपनी वेबसाइट को आप डायनेमिक बनाएंगे, जितना ज्यादा उसमें कंटेंट ऐड करते रहेंगे, उतना ज्यादा गूगल आप पे भरोसा करेगा और उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे आएगा। जितना अच्छा आपका एसईओ होगा उतना ज्यादा गूगल आप पे भरोसा करेगा, ये सारा ट्रस्ट का गेम है।
गूगल की लेटेस्ट एल्गोरिथम 4.3 ये कहती है कि कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, कंटेंट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये गूगल की लेटेस्ट एसईओ एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब छोटा रूप कोड का। चलिए सर, ये चीजें समझ ली आपने कैसे होगा कीवर्ड करना। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सर, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। धर्मेंद्र जी का बिजनेस है लेट सपोज वॉशिंग मशीन का। सर क्या कीवर्ड होंगे इनके? वॉशिंग रिपेयर वॉशिंग मशीन एट पर्टिकुलर लोकेशन, ये हो सकता है, या फिर रिपेयर वॉशिंग मशीन एट लो कॉस्ट मार्जिन, या फिर कौन से वो वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं, रिपेयर एलजी वॉशिंग मशीन या फिर रिपेयर ब्लैक कंपनी वॉशिंग मशीन, इस टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए सर। या फिर अपना लोकेशन को ऐड करके रिपेयर वॉशिंग मशीन इन फलाना एरिया, मतलब कुछ भी वो लिखे उसमें वॉशिंग मशीन शब्द उनका जो बेसिक प्रोडक्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। सर ये जो कुछ भी आपने बोला ना, यही हम इस सेशन में सीख रहे हैं कि ये कुछ भी क्या है ना। सर अभी देख रहे हैं, अभी तक ये बहुत बहुत इजी टू यूज बिजनेस है, बहुत इजी टू यूज बिजनेस है इनका। बट अभी भी आपने सोचा होगा सर इस बिजनेस का तो कीवर्ड बहुत इजी निकल जाएगा, लेकिन जब आप सोचने पे आए तो आप 3 से ज्यादा कीवर्ड बता ही नहीं पा रहे हैं। सर जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपने बिजनेस में उतना सक्सेसफुल होंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कीवर्ड्स एंड गिविंग बैक टू द सर्च इंजन्स, इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कीवर्ड्स। मैम आप ट्राई कर सकते हैं एक वॉशिंग मशीन रिपेयर शॉप के कीवर्ड्स निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन रिपेयर शॉप जी, क्या हो सकते हैं इसके कीवर्ड्स? चलिए मैं आपके आपके बिजनेस आइडिया पे ले चलता हूं मैम। एक ऑर्गेनिक पैच क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, आप क्या कहां कहां पे अपने आप को देखना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे? हाइजीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। केयर, ठीक है, बहुत ऑर्गेनिक तो है एक्चुअली ना, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो है ही एक्चुअली इसका कीवर्ड में। चलिए और चलिए मैम सैनिटरी पैड्स ये सब रहेगा, मतलब आई मीन अभी और थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। चलिए अब हम समझ रहे हैं मैम, डिजिटल मार्केटिंग एक एजुकेशन नहीं है, एक सोच है, एक तरीका है कि बिजनेस कैसे किया जाए, right. एक एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक डिस्कशन सेट में बैठेंगे। आप इतना भी लर्न कर लेना मैम, लेकिन अकेले आप लीड्स नहीं निकाल सकते जब तक आप, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था कि मैं डिजिटली जाऊंगी, कोई मेरे से कीवर्ड पूछेगा मैं डाल दूंगी। वो कीवर्ड क्या होंगे अभी आप मेरे को 3 से ज्यादा कीवर्ड नहीं दे पाए। इस सोच को बढ़ाना है मैम, और मार्क माय वर्ड्स पर्टिकुलरली उमेश जी ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप लोग कीवर्ड निकालना सीख गए ना सर किसी भी बिजनेस के लिए फ्लोलेस, दिन आप डिजिटल मार्केटियर बन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन जो रिपेयर शॉप की हमने बात की, वॉशिंग मशीन रिपेयर इन बॉम्बे, वॉशिंग मशीन रिपेयर इन पर्टिकुलर लोकेशन जो इनकी लोकेशन है, या फिर एलजी रिपेयर या फिर टोशिबा रिपेयर, जिस कंपनीज की वॉशिंग मशीन है उनकी लिस्ट बना लो 15। इसके बाद जैसे ही आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए गूगल पे जाइए और टेस्ट कीजिए इस चीज को जो मैंने आप लोगों को बताया था। यहां पे जाइए और डालिए वॉशिंग मशीन रिपेयर,
चलिए, बहुत अच्छे तरीके से इसने आपको ये दिखा दिया कि लोग जो गूगल पे ढूंढ रहे हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वॉशिंग मशीन का जो शॉप वाला बंदा, उनको जो टेक्नीशियन मिले वो बैठे हो दिल्ली में और बंदा मिले बॉम्बे वाला, है ना मैम? कभी नहीं चाहोगे आप ये? आप तो चाहोगे कि आप बंदे को कॉल करोगे और दो घंटे के अंदर बंदा घर पे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में सबको उसी टाइम चाहिए सामान, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है, एक तो आप लोकेशनल कीवर्ड्स पे काम करो, प्लस बहुत जरूरी है आप नियर मी शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करो, क्योंकि आजकल लोग इस ट्रेंड को समझिएगा, आजकल लोग वॉइस कमांड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट वही है। जब हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे ना, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए उसके अपडेशंस को समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग बुक में आज तक इसलिए नहीं लिखा जा पाया क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर सेकंड चेंज होता है। डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरी बुक में लिखी जा सकती है, लेकिन उस थ्योरी का होगा क्या? लेट सपोज मैम, आदमी का अंत भी राख है, कलों के गूगल खत्म हो गया, तो क्या उस बुक का क्या होगा फिर? तो इसीलिए पूरी बुक में नहीं लिखी जा सकती, वो सिर्फ यहीं बिठाई जा सकती है टूल पे। और कोशिश कीजिएगा जब आप किसी टूल से बात कर रहे हैं, उमेश जी ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना वॉशिंग मशीन रिपेयर, ये मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज है कि वॉशिंग मशीन रिपेयर मेरा एक पोटेंशियल कीवर्ड हो सकता है, लेकिन अगर मैंने पहला कीवर्ड चुनने में ही गलती कर दी तो मुझे जितने भी टूल्स हैं वो उस अकॉर्डिंग ही कीवर्ड दिखाएंगे जो भी मैंने लिखा है, तो मैम मेरी पूरी एनालिसिस और मेरा पूरा बिजनेस आइडिया धरा का धरा रह जाएगा। जरूरी है फोकस रहना, क्योंकि जब आप कीवर्ड पे काम करते हैं ना, तो कीवर्ड पे काम करने के लिए बहुत जरूरी है आप अपने पूरे वेबसाइट के ऊपर काम करें, आपका पूरा कंटेंट कीवर्ड के बेस पे लिखा जाएगा, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने समझाया वो कीवर्ड के बेस पे लिखा होगा, आपका जो टाइटल है वो कीवर्ड के बेस पे लिखा जाएगा, आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कीवर्ड के बेस पे बनेगा, आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो कीवर्ड के बेस पे बनेगा, तभी गूगल देखेगा कि यार ये जो इंडिविजुअल है हर जगह एक ही वर्ड को यूज कर रहा है, दैट मींस ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है इस कीवर्ड के। क्लियर है? राइट, लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर। उमेश जी क्लियर है बिल्कुल? यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी जब हमने प्रोटोकॉल्स की बात की, सबसे पहले एसईओ टर्म्स में, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, दूसरा आपकी वेबसाइट में जो मेटा टैग लगे हुए हैं उसमें प्रॉपरली अपडेटेड कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन सेट होना जरूरी है। हर वेबसाइट में टाइटल, मेटा और कीवर्ड, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है होना, ठीक है? इसके बिना गूगल आपको समझ ही नहीं पाएगा कि आप हो कौन, ठीक है सर? चलिए सर, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और आपको रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी। उमेश जी, कल के सेशन से कोई क्वेश्चन सर, या फिर आज के सेशन से? नहीं सर, मैं ये क्वेश्चंस कल पूछूंगा, अभी क्वेश्चंस बनाऊंगा सर, मतलब अभी तक तो फिलहाल ठीक लग रहे हैं, एक बार दोबारा से रीचेक करने के बाद पूछूंगा सर क्वेश्चन। चलिए, कोर्स में मजा आ रहा है सर? बिल्कुल सर, मजा आ रहा है, और अभी 9 to 10 वाला भी क्लास चलने वाला है ना सर? जी बिल्कुल सर, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल रहूंगा सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप बिल्कुल रह सकते हैं। एंड मैम, कैसा कुछ समझ आया टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं? नहीं, काफी कुछ समझ में आया सर। जी बहुत बढ़िया, और बट अभी बहुत कुछ सीखना है एक्चुअली। मैम देखिए, जरूरी है कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, और जब करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है, जब तक आप डिजिटली नहीं आएंगे लोग अपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ नहीं, एक्चुअली अभी जो मार्केट में है ना, अभी जो हमने अभी एनालिसिस करा है उसमें ये अभी है ही, और उस पे मतलब नेट पे ही अवेलेबल है, और ये अभी मार्केट में है ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि जब तक मैंने बताया ना मैम, जब पढ़े लिखे इसको समझने लगेंगे ना, और जब वो करेंगे ना, जब वो आपकी वीडियोस को शेयर करेंगे, जब वो आपके ट्वीट को शेयर करेंगे, जब वो आपके फेसबुक पे कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे, तब चलेगी चीज। और तब आजकल क्या है ना मैम, आज इंडिया का इतिहास ऐसा रहा है कि जब भी कोई ट्रेंड आता है ना, उसको हर कोई फॉलो करने लगता है, और जियो के बाद जियो ने तो ऐसी चीज लॉन्च की कि आज एक रिक्शा पुलर के हाथ में भी एंड्रॉइड फोन है।
वो मैम किसी से कम नहीं है, अपना जीवन खुद व्यतीत कर रहा है, किसी से कम नहीं है वो। मैं उसको शाहरुख खान से कम नहीं समझता, चाहे उसके पास पैसे हो। तो मैम अगर वो अपने आप में शाहरुख खान है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता, बस वो यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, वो फेसबुक देख रहा है, उसके बीच में उनको बड़े बड़े अकाउंट्स पे जब लोगों को दिखते हैं ना कि लोगों ने शेयर किया है, वो देखता है कि अरे ये क्या चीज है। और जब उसको ये जब वो मार्केट जाता है, दो सैनिटरी पैड्स उसके सामने रखे हुए हैं जिसमें से ऑर्गेनिक वाला सैनिटरी पैड सस्ता है या फिर 2 रुपए महंगा है लेकिन उसके बजट में है, मैम वो सबसे पहले करेगा, क्योंकि वो ब्रांड यूज करना चाहेगा। उसके दिल में भी यही है कि मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी सर्विस दे पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हो नहीं हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब ये ब्रांड बने, है ना? राइट राइट। चलिए आप लोग सेशन में रह सकते हैं, और जो लोग अभी 9 to 10 के लिए ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग वेट करें सर, मैं 9:05 पे ज्वाइन करूंगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।